बिकॉज अगर देखा जाए तो देखे ना आपके मुस्तफ़ा अदील और हाउ कैन ग रुबाब रुबाब यार <laughs> क्या हो गया तो ये चार आपके वो हैं जिनके कहानी कहानी है जिनके चल है। हाँ, अच्छा 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 रहे हैं और वो बट ना समाओ इसमें पांचवा कॉर्नर आ गई है सेंटर में जो की बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक एड कर दिया इसका वो सीन बड़ा अच्छा गया जिसमे वो घर पे बुलाती है और साथ बैठ

यह चला है ऐसे ही चलता है चक्कर फ्लड से अच्छा लेकिन अभी ये चला नहीं है चक्कर अभी तक आगे देखें क्या आगे देखें देखें क्या आगे आगे.. यह क्या होगा होगा लेकिन मैं चाह रहा था आप ये जरूर तो बहुत इंटरेस्टिंग है आपका बड़ा वायरल हुआ डायलॉग जो आपने कहा तुम्हारा हॉटी भी मेरा जब आप स्क्रिप्ट पढ़नी थी तो आपको लग रहा था यार कि ये डायलॉग तो बड़ा हिट हो जाएगा या नहीं बिल्कुल नहीं पता था मुझे पर ये मैंने बोला बहुत दिन से था, <laughs> कौन था। आपने ना। हाँ। अभी मेरा मोटू भी मेरा और तुम्हारे वाला भी मेरा उस फील में होते हो कैसा फीडबैक कैसा फैमिली और फ्रेंड्स से तो जाहिर अच्छा ही मिल रहा होगा तो कुछ पता ही नहीं है मतलब को नहीं पता नहीं

वो बस पंच हो गया अब ऐसा तो नहीं लगता कि अरीज किसी और का नाम है मेरा नाम नहीं मुझे ये लग रहा है मैं नताशा ही <laughs> <laughs> नहीं अच्छा इफ इट्स गेटिंग रिकग्निशन बिकॉज मुझे लगता है कि आपका अच्छा अगर आपने काम किया हो और लोग आपको उसी कैरेक्टर में पहचानना शुरू कर दे तो इसका मतलब है आपने वो कैरेक्टर अच्छे कि, से किया है जैसे आप प्रोसेस के बारे में बता रही थी कि ऑब्वियसली बदर महमूद जो उनका डायरेक्शन का स्टाइल है कि वो प्रेशर नहीं डालते और परफॉर्म करने का मौका देते हैं। ओवरऑल जब कभी मैं कभी तुम अब आई सपोज के कैमरा क्लोज हो हो चुका है शूट है शूट कंप्लीट कंप्लीट ऑन 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 टाइम 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 एवरीथिंग जब बन रहा था yeah. जी तो कुछ उस प्रोसेस के बारे में मजीद बताये क्या सेट पे माहौल था अभी तक तो हमने आपके इंटरैक्शन uh, सिर्फ अदिल भाई तक मैं तो अदिल भाई कहता हूँ मेरे भाई है वो अदिल भाई के साथ ही हमने आपके सी देखे इमाद के साथ आपके इंटरेक्शन कैसी थी कैसा था काम करने का तजर्बा कैसा सब के साथ बहुत अच्छा था मेरा ट्रैक इमाद बाब इनके साथ ज़्यादा था और जो मेरे हस्बैंड बने सलमान उनके साथ लेकिन मुझे नहीं फील हुआ कुछ भी ऐसा कि मैं एक किसी और सेट पे हूँ हम सब लोग बहुत फ्रेंडली थे अगर हम शूट करें हम थोड़ी देर में सब जाते थे इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी भी पीते थे हम लोग बातें करते थे आपस में मतलब बहुत पीसफुल इट वेंट वेरी पीसफुल कोई किसी को किसी भी चीज़ के लिए तंग नहीं करता था और मेरे ख्याल से आ, uh, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ये आपकी पॉजिटिव एनर्जीज की वजह से होता है आई फी आई लाइक आई फील लकी कि मुझे जो को स्टार्स मिले दे वर वेरी पॉजिटिव दे हैड वेरी पॉजिटिव एनर्जीज सो जिससे इससे आपको बूस्टअप भी बूस्टअप भी होते हैं आप आपसे रिलेटेड कुछ मीम्स और तरह की भी चल रही हैं एक दो नामों के साथ आपको एसोसिएट <laughs> किया जा रहा है तो चले मैं तो नहीं लेता वो नाम बट <laughs> नेगेटिव फीडबैक uh, या आपने ट्रोलिंग तो मैं नहीं कहूंगा बट नेगेटिव अटेंशन इस तरह की कोई चीज आपने महसूस की है आर यू ओके विद इट आपको कहीं किसी किसी मीम को देख के बुरा तो नहीं लगा मुझे uh, मुझे पता नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने अपने मतलब देखे बगैर मैंने शेयर कर दिया अपने जिस एक नाम के साथ आपको हां मुझे उसको समझ नहीं आया तो मैंने उस वक्त देखा मैडम मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया ये तुम तो मत शेयर करो मैंने कहा क्यों भाई क्यों शेयर नहीं करूँ उसने कहा सिर्फ सर्च कर लो जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये ये है hmm. तो आई वॉज लाइक कि यार मतलब मैं क्या कहूँ इस पर hmm. वो सब लोग मुझे उससे कंपेयर कर रहे थे बट बट इन लुक्स सो दैट्स फाइन विद मी इफ इट्स लाइक Do you think if uh, viewers also sometimes push these boundaries? और मुझे लोग एक पोस्ट मुझे जिसमें मुझे हाशमी से भी कर रहे थे भी कर रहे थे बट ये तो एक पार्ट है ना ये तो होना है सब ने अपने अपने ओपिनियंस देने हैं सब ने अपने अपने एक फीडबैक देना है

आप जब अपनी परफॉर्मेंस को देख रही हैं, हैं। हैं। आप अपने सीन्स सीन्स को देख रही हम की बात करेंगे जो अब तक और हुए देखे कैसे है आपको लग रहा है कि ये कैरेक्टर मैंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया मुझे लगता है इस कैरेक्टर में जितनी जरूरत थी ना जितनी जरूरत थी जितना होना चाहिए था उतना मैंने किया अगर और जो आगे जो सीन्स हैं वो आप जब देखेंगे तो गोइंग टू लुक रियल तो मुझे लगता है मैंने है मैंने ठीक किया अगर मैं बहुत ज़्यादा करती तो वो फिर रियलिटी से थोड़ी दूर हो जाती। चीजेंट टू डू इट लाइक टेकिंग प्लेस ऑफ दैट गर्ल दैट कैरेक्टर एंड देन डूइंग इट तो मैंने अपने आपको उसमें फील कर लिया था अच्छा फिर मैंने क्या था मतलब अगर वेरी yeah, इट वॉज वेरी नेचुरल लाइक एक जो सीन है जिसमें वो बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं और खा रहे हैं और बात कर रहे हैं जब वो घर पे बुलाती है तो देट वॉज वेरी नेचुरल फीलिंग लाइक कि जैसे मैं नॉर्मली उस लड़की की तरह हूँ और मैं फिर क्या करती तो ये वो था आप अपनी परफॉर्मेंस uh, को बेहतर करने के लिए क्योंकि एक्टिंग आपने प्रोफेशनली सीखी मतलब होता ना है ना क्लासेस ली होती हैं एक्टिंग की नहीं। आपने मेरा नहीं ख्याल एक्टिंग नहीं, की नहीं बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया तो क्या एक्सपीरियंस किया QK, um, I have been doing so many.